नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे सौरमंडल के सफ़र में आज हम पहुंच चुके हैं सौरमंडल का छठवां और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि या फिर सैटर्न के पास। वैसे तो आप सैटर्न को खाली आंखों से भी देख पाएंगे, लेकिन इसके चारों ओर फैले रिंगों के बारे में सटीक जानकारी के लिए आपको टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार सैटर्न के रिंगों के बारे में दुनिया को अवगत करवाया था। जुपिटर के जैसा सैटर्न भी एक गैसों का गोला है, जहां हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे गैसों का भी मिलना आम बात है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार रोमन देवता क्रोनस, जिनको लॉर्ड ऑफ द टाइटंस के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे ही सैटर्न का नाम रखा गया है। ऐसे और भी कुछ मजेदार बातें सैटर्न के साथ जुड़ी हुई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भविष्य में ऐसे और भी कुछ मजेदार बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्यूचर में मेरे अगले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बगल वाले बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सैटर्न का मास पृथ्वी से करीब 95.16 गुना ज़्यादा है, मतलब करीब 750 पृथ्वी आराम से सैटर्न में समा जा सकते हैं। सैटर्न ग्रह को उसके चारों ओर फैले हुए रिंगों के वजह से ज्यादा जाना जाता है। इसके चलते इसका नाम द रिंग्ड प्लैनेट रखा गया है। इन रिंग्स का संख्या करीब 30 बताया जाता है। सभी रिंग्स करीब 30 से 300 फीट तक फैले हुए हैं, जो बर्फ के टुकड़े और कार्बन जैसे धातुओं के टुकड़े से बने हुए हैं। यह ग्रह हाइड्रोजन जैसे कम घनत्व वाले गैसों से भरे होने के कारण सैटर्न सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों में से सैटर्न के सतह में आंधी सबसे तेज चलती है, जो करीब 1800 किलोमीटर पर आवर है। सूरज का एक चक्कर काटने में जहां पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, वहीं सैटर्न को करीब 29.4 साल का समय लग जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब आपका उम्र वहां ज़्यादा हो सकता है और आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। अभी तक सैटर्न का करीब 150 से ज़्यादा चंद्रमाओं के बारे में पता लग पाया है। इनमें से ज्यादातर बर्फ के गोले हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, टाइटन और रिहा। अगर आपको बच्चों के जैसा पंख लगा के उड़ना पसंद है तो आप टाइटन में जा सकते हैं, क्योंकि टाइटन में गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होता है, जहां किसी भी चीजों का हवा में तैरना स्वाभाविक है। इसके चंद्रमाओं के जैसे सैटर्न में भी घनत्व बहुत कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पानी भी तैर सकता है। पृथ्वी के मुकाबले वेनस, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के सतह में गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक ही होता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दोस्तों, अगर पृथ्वी में आपका वजन 68 किलो है, तो सैटर्न में आपका वजन 72 किलो हो सकता है। तो अगर भविष्य में आपका सैटर्न जाने का कोई प्लान हो, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी से इतने बड़े होने के बावजूद सैटर्न जैसे करीब 1600 ग्रह सूरज में समा जा सकते हैं। इन सभी मजेदार बातों के जुड़े होने के कारण सैटर्न सच में एक विचित्र ग्रह है। इसके बारे में जितना जान पाएंगे, उतना शायद हमें हैरानी होगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। मेरे सौरमंडल के बनाए गए और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बटन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ग्रह के सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद।